नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दुर्ग के उतई क्षेत्र में बीती रात पति ने पत्नी के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पर पत्नी का शव लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी और पति का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। और अगली खबर आ रही है नारायणपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के अनुसार यहां अबुझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान बलिदान हो गया है और 2 जवान घायल हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। और अगली खबर आ रही है कोरबा से, जहां गुरुवार को तेज आंधी तूफान ने विद्युत वितरण केंद्र बरपाली के तुमान फीडर में ऐसा कहर बरपाया कि पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर आ गिरे, जिससे कई बिजली के खंभे टूट गए। भीषण गर्मी में बिजली ना होने की वजह से लोगों को जागकर रात गुजारनी पड़ी। 26 घंटे के बाद किसी तरह लाइन चालू की गई, लेकिन आधे घंटे के भीतर ट्रांसफॉर्मर केबल जल गया, जिसकी वजह से लगातार दूसरे दिन शुक्रवार रात को भी 10,000 से अधिक ग्रामीणों को रात भर जागना पड़ा। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं शासन प्रशासन की उदासीनता से निराश एवं आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कुछ करने का मन बनाया है। और अगली खबर आ रही है जगदलपुर से, जहां जगदलपुर में NH-30 में बुधवार की दोपहर को एक तेज रफ्तार यात्री बस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। इस घटना में बस चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री भी घायल हुए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए फरसन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आखिरी खबर आ रही है सुकमा से, जहां सुकमा जिले के नागलगुड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर खड़े ट्रक से टकराकर मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस सड़क हादसे में DRG का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को 108 एम्बुलेंस के जरिए दोरनापाल उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल का इलाज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल जवान के पैर, कंधे और कमर में चोट आई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।